ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनके बीच जो होता है ना कि पार्टिकल सॉलिड के बीच में जो ना पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से इनकी जो ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है डेफिनेट शेप होती है। मैंने आप सभी को बताया था अगर जो याद हो कि सॉलिड के अंदर जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, मैंने बताया था कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होते हैं डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। क्यों डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को मैंने बताया हुआ था। अब देखो उसके बाद कहते हैं लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा कम होता है, मॉडरेट होता है, और इसमें क्या होता है बहुत ही वीक हो जाता है। डिफ्यूजन मैंने बताया था कि जो डिफ्यूजन हो जाएगा ठीक है ओके यस सर। कौन सा कॉल था जो म्यूट भी नहीं हो रहा था। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन जो है वो क्या करता है, जो है जो सॉलिड में होता है बहुत कम होता है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही क्लोज क्लोज बंद होते हैं, जिस कारण से क्या होता है डिफ्यूज नहीं हो पाता। जबकि इसके अंदर जो होता है डिफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है कंपेरिजन टू सॉलिड, डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड। बट इसके अंदर जो डिफ्यूजन होता है, जैसे देखिएगा गैस, आप लोग जो गैस यूज करते हैं यानी कि परफ्यूम यूज करते हैं जनरली देखिए वो गैस के फॉर्म में होता है, इससे क्या होता है कि वो ना आसानी से जो है क्या हो जाता है कि आपका जो है स्मेल जो है दूर दूर तक चले जाता है। लेकिन आप कभी ऐसा करते हो कि सॉलिड वाले को स्प्रे यूज करने लगते हो, क्यों मेरे को बार बार परेशान कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि डिफ्यूजन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कि कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। इसके अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है कम होता है, किसके कंपेरिजन में, लिक्विड के कम में, या फिर इसको कह सकते हो कि सबसे कम डिफ्यूजन किसमें होता है, सॉलिड में होता है, और इसके अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो क्या हो जाता है थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू सॉलिड, और सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है गैस का। मैं ये बता रहा था कि डिफ्यूजन के लिए ना आप लोग देखिएगा गैस का ही यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना गैस आसानी से क्या हो जाता है आपका जो है वो जो है मिल जाएगा। ठीक है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि जो है इसका यूज करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताया था कि इसकी नेग्लिजिबल होती है, इसकी थोड़ी सी मॉडरेट होती है, और इसकी क्या हो जाती है हाई हो जाती है। रिजिडिटी एंड फ्लूडिटी, इसकी कोई फ्लूडिटी नहीं होती, यानी कि एक जगह पे रखोगे तो वहीं रखेगा, ये फ्लो करता है और ये भी क्या करता है यानी कि जो फ्लो होता है। लेकिन इसके अंदर जो रिजिडिटी होती है यानी कि जो स्ट्रांगनेस होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, जबकि इसके अंदर क्या होता है लेस रिजिडिटी होती है, और इसके अंदर क्या होती है नो रिजिडिटी यानी कि आपस में बंधे नहीं होते। अब यहाँ पे डेंसिटी हाई होती है, मॉडरेट होती है, और उसकी क्या हो जाती है लो हो जाती है। इसी प्रकार से इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है लीस्ट होता है लेसर होता है, और इसमें क्या हो जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है काफी जो है ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। ये सभी के सभी मैंने आप लोगों को एक बार जो है पहले बताया हुआ है। अब हम आज की क्लास में आपको बताते हैं कि कैसे ये सारी चीजें जो है इफेक्ट करती है, कि कैसे सॉलिड से जो है एनर्जी देने पर लिक्विड हो जाती है। ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक जो है कंटेनर है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे ना मैंने आइस ले लिया, कैसे आज दिखाता हूं कि कैसे आइस को आप लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर दो। मान लेते हैं कि हम यहां पर से क्या कर रहे हैं हीट दे रहे हैं। अब जैसे ही हीट दोगे ये तो सॉलिड है यानी कि आइस है, तो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म है। अब जब इसको हीट दोगे तो जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्योंकि जो सॉलिड जिससे बना होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, वो क्या होंगे पास पास होंगे, और जैसे ही हीट दीजिएगा वो क्या करेंगे दूर दूर जाने लगेंगे यानी कि वाइब्रेट करने लगेंगे। जैसे मान लो ये पार्टिकल था दोनों बिल्कुल क्लोज क्लोज था, अब जैसे ही आपने इसको हीट दिया तो क्या करने लगेगा मूव करने लगेगा, और धीरे धीरे क्या करेंगे कुछ एक्सटेंड लग जाएंगे यानी कि इधर उधर जाएंगे। ये बगल वाले को हीट करेगा,
जब ये वाइब्रेट करेगा तो क्या करेगा, बगल वाले को भी हिट करेगा, तो बगल वाले को जब हिट करेगा, हाँ बोलिए, किसी बच्चे का रीजन है, क्या नाम है? ओके ठीक है। अब ये क्या कर रहा होगा कि खुद सोचिए कि जब इस पार्टिकल को आप एनर्जी दीजिएगा तो ये क्या करेगा, बगल वाले पार्टिकल को भी हिट करेगा। अभी यहां नहीं सोचना, इतना इतना गैप है, ये तो मैंने समझाने के लिए बना है। सभी देखना आयस जो होते हैं वो सभी पास पास होते हैं, जैसे ही यहाँ पे दिए तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और जैसे ही वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि ये पार्टिकल बगल वाले को टकराएगा, ये बगल वाले को टकराएगा, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर भी जाएगी। अब होगा क्या कि फर्दर आप हिट दे रहे हो, कंटिन्यूअसली दे रहे हो, ये पार्टिकल कुछ समय बाद और ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और एक समय आएगा कि बहुत दूर चले जाएगा, यानी कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से, यस सर, हाँ, तो जब इसके प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये जैसे ही पार्टिकल बहुत दूर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो किस स्टेट में आ गया, सॉलिड में आ गया, रहता है लेकिन कंपैरिजन टू सॉलिड वो क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है, जिस कारण से ये क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब एक बच्चा मुझसे आके पूछेगा कि सर मुझे ये बताओ, ठीक है नीचे वाला हो गया तो फिर ऊपर वाला आइस कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, क्या बच्चा कह रहा है? अच्छा ओके हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि नीचे वाले पार्टिकल के पास हीट दे रहे हो, एनर्जी ले रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण वो क्या करता है, आपस में टकराता है, और एक ऐसा समय आता है जिसमें जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर ऊपर वाला कैसे जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, मन में आ रहा होगा? ओके वो क्या रहा है कि जब आपको पता है कि जब पार्टिकल पार्टिकल से अलग होगा तो अकेला अकेला होगा, और जब वो अकेला अकेला होगा तो वो क्या करेगा कि वो हल्का हो जाएगा, और ऊपर वाला आइस क्या है, भारी है, तो वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जब वो नीचे आ जाएगा तो फिर से उसके साथ वही हीट देंगे तो वो फिर से टकराएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा कि जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ठीक है आपने बता दिया लिक्विड हमने बना लिया, लिक्विड से गैस कैसे बनाएंगे, तो जो है आप लोगों को लिक्विड से जो है, कोई ये नहीं कहेगा कि सर और ज्यादा हीट कर देंगे तो जो हम लोग लिक्विड से हीट जो है वेपर बन जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिखाता हूँ तरीका। अब इनके पास के जो पार्टिकल है ना थोड़ी थोड़ी दूर दूर पे है, यहाँ पे क्लोज क्लोज थे, यहाँ पे बिल्कुल क्लोज क्लोज पे थे, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल क्या है, दूर दूर पे, तो जब दूर दूर पे है तो इसको और ज्यादा हीट देंगे, तो और ज्यादा हीट देंगे तो यानी कि क्या करेगा, और ज्यादा दूर दूर जाना शुरू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से चल जाएगा, और ये बिल्कुल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा तो किस फॉर्म में निकल जाएगा, गैस 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 के, और इसी गैस को हम लोग क्या कह देते हैं, वेपर कह देते हैं, क्योंकि वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि जो है वाटर का वेपर हो गया। अब ये वापस जो है वाटर का, कहोगे सर ये ऊपर की ओर ही क्यों जा रहा है वेपर, नीचे की ओर क्यों नहीं जा रहा है? सर, क्योंकि ऊपर की ओर ही मतलब इसके जाने के लिए स्पेस है इससे बोले थोड़ा जोर से बोले ना भैया, सर, क्योंकि ऊपर ही जा सकता है, वहीं से इसके लिए मतलब जाने के लिए स्पेस है। अच्छा आपका कहने का मतलब ऊपर में स्पेस है इसीलिए ऊपर ही जा रहा है, ऐसा कह अगर सकते हैं? इसमें ना हाँ होती है सर, बोलिए, एक एक करके। आप ये हल्की भी होती है इसलिए लोगों की आवाज बहुत कम क्यों आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सर, गैस सर, जो हवा होती है सर, वो खुली हुई होती है सर, इसलिए अच्छा, हवा जो है खुली हुई होती है इसीलिए ऊपर की ओर जाती है, कोई लॉजिक थोड़ा बढ़िया लगे। सर, क्योंकि ना वेपर के वेरी पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर की ओर उड़ते हैं। गुड, ये दिस इज द करेक्ट रीजन, जो वेपर के जो पार्टिकल्स है जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो सिंगल सिंगल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और जब वो हल्के हो जाते हैं तो जिस कारण से क्या हो जाता है, ऊपर की ओर जाता है। इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में
जो कंडेंसिंग वाला चीज होता है वो ऊपर में लगाया जाता है, नीचे नहीं लगाया जाता है। जो आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे आप लोग आइस जमाते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो देखिएगा ठंडा करने वाला ऊपर में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि गर्म हवा कहाँ जाएगी, ऊपर। ऊपर में क्या खाएंगे? तो जो है ऊपर ठंडा कर देंगे। इसीलिए जो है रेफ्रिजरेटर में जो है ऊपर वाले पॉट में क्या लगाया जाता है, कंडेंसर लगाया जाता है, जिससे जो है आपका जो है ठंडा हो जाए। अब एक बच्चा बोला ठीक है सर, मुझे ये तो समझ में आ गया कि सॉलिड के पार्टिकल पास पास थे, आपने एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी से जो है धीरे धीरे और ज्यादा एनर्जी दी तो लिक्विड में आ गया, लिक्विड को फर्दर हिट दिया तो सिंगल सिंगल पार्टिकल में आ गया और उसकी वेट लाइट हो गई, इसीलिए जो है हवा में उड़ गया। अब मुझे बताओ कि सर हवा से कैसे सॉलिड बनाओगे? फिर से सुनिए, मान लेते हैं, क्योंकि जब भी इसको ठंडा करना पड़ेगा ना, तो एक क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। मान लेते हैं जो है एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है काफी कम है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो क्या है, कम है। अब यहाँ पे मैंने गैस भर दिया, आपको पता है जब ठंडा होता है कैसा? तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, पास पास आना चाहेंगे। अब कोई कहेगा कि सर ठंडा होने से हम लोग पास पास क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना एनर्जी कम हो जाती है, और जब वो एनर्जी कम होती है तो वो पास पास जो है जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये गैस के पार्टिकल दूर दूर थे, इसको जैसे हमने ठंडा किया, ये क्या हो गए, पास पास आ गए। क्यों पास पास आए? क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कहाँ गई, तो एटमोसफेयर ने इसकी एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो यानी कि पार्टिकल्स पार्टिकल मिलेंगे, कहेंगे हम तो बदला लेना है, किससे, एटमोसफेयर से। क्यों? क्योंकि वो जो है उन्होंने एनर्जी ले ली, जब ये एनर्जी ले तो यानी कि पास पास आ गए, और जैसे ही पास पास आ गए तो किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब फिर से वही कहानी हुआ कि इसकी एनर्जी और ठंडा कर दिए, और ज्यादा ठंडा कर दिए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो है सॉलिड लिक्विड में। इस प्रकार से जो है, सॉलिड तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, आपका सॉलिड सॉलिड कन्वर्जन हो जाता है। कोई ये नहीं कहना कि सर कोई आपने सब सिमिलर टाइप का आइस नहीं बनाया, आपने कोई सब बिल्कुल जो है क्यूब टाइप का बनाया है, थोड़ा सा हमारे घर में तो ऐसा बनता है वैसा बनता है, यहाँ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। सर, ओके, वेरी गुड। अब इस प्रकार से जो है क्या हो गया, यहाँ पे जो कन्वर्ट हो गया। अब आप लोगों को ये तीन चार पॉइंट बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ ये समझ में नहीं आएगा, अगर इससे रिलेटेड एनटीएससी में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आपको मैं पूछता हूं आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक बच्चा बोलता है सर 0 डिग्री पे तो क्या होता है, आइस जो है सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आप कह रहे हो सर वो एक्चुअली 0 डिग्री पे ना दोनों होते हैं, जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे डायमंड की बात करें तो डायमंड 3330 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, आयरन की बात करें तो 400 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। तो अलग अलग कंपाउंड जो होते हैं वो अलग अलग जो है होते हैं। अब कोई ये नहीं कहना कि सर हमारी बॉडी को मेल्ट करके जो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, फिर बाद में जो है रात में इसको सुला देंगे सर आदमी बना देंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के जो है कंपोनेंट से बने होते हैं, इसीलिए हम अपनी बॉडी को कभी भी मेल्ट नहीं कर सकते। सिमिलर टाइप के एलिमेंट से बने होंगे तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, मेल्ट कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? हमारी बॉडी तो सॉलिड है, तो हमारी बॉडी सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करो, तो जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल से बने होते हैं उसको। और कभी भी हम लोग जो डिसिमिलर से बने होते हैं, जिसमें सॉलिड भी लिक्विड भी गैस भी हो, उसको जो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है नहीं होती है, ठीक है, एक तरह से आप ऐसे समझ। अब फ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। तो सर आपने मेल्टिंग पॉइंट भी बताया वही, फ्यूजन भी बताया वही, मेल्टिंग पॉइंट भी कह रहे हो कि
कि सर वैसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड कन्वर्ट हो जाए, फ्यूजन भी कह रहे हो जिसके अंदर जो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट में टेम्परेचर का होना जरूरी है, फ्यूजन में टेम्परेचर नहीं। कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका फ्यूजन हो गया, ध्यान रखना। जैसे मैं बता रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि आप किसी सॉलिड को किस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। फ्यूजन में टेम्परेचर नहीं देखा जाता, उसमें क्या करते हैं यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्यूजन कह देते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे ध्यान देना, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड हो जाओ। अब कहो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया रहा कि आपका कहने का मतलब है, क्या मुझे ये बता सकते हो कि थोड़ा सा इसको रियल लाइफ से एक्सप्लेन कर सकते हो? तो आपको मैं समझाने के लिए तरीका बताता हूँ। मान लेते हैं अगर प्योर आइस है, प्योर आइस समझते हो ना? यस सर। उसकी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बट अगर इम्प्योर आइस है, आपने कुएं का पानी से जो है बर्फ बना दिया या जो है गंगा मैया के पानी से जो है आपने बना दिया, उसमें इम्प्योरिटी मिली रहती है, तो वो 0 डिग्री पे नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट होती है, इम्प्योर सब्सटेंस की क्या होती है, फ्यूजन होती है। व्हाट इट माय पॉइंट? यस सर। ओके, यस सर। जिनको नहीं समझ आया? यस सर। वेरी गुड सर, बहुत दमदार हो राहुल तुम, ठीक है, लगता है तुम तो एकदम पूरा हिला दोगे क्लास। ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फ्यूजन में होता है कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है, वो क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाए, क्योंकि इम्प्योरिटी आप पे डिपेंड करता है कि कितना, तो कोई हो सकता है 2 डिग्री सेल्सियस पे करे, कोई 4 डिग्री पे करे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्यूजन कह देते हैं। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन हीट, छुपा हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा अभी, पहले फिलहाल आपको मैं ये समझा देता हूँ, एक डायग्राम की मदद से आपको पूरा समझाऊंगा, फिलहाल अभी आप समझ लीजिए। जैसे मान लो कि आप लोग क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैंने क्या करा, एक बीकर ले लिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, ग्लास नहीं कहते, इसको बीकर कहते हैं। बीकर, हाँ बीकर, पीपल नहीं कहते, बीकर कहते हैं सर, बीकर। ओके ठीक है, ये क्या है, बीकर है, बीकर। अब बीकर में हमने क्या कर दिया कि आइस को डाल दिया, ठीक है, और मैंने इसको ना हीट करना शुरू कर दिया। यस सर। यस सर। और जैसे इसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे क्या होने लगेगा कि इसके अंदर ना थर्मोमीटर डाल देते हैं। थर्मोमीटर आप लोगों ने देखा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, आप लोग लगता है खा पी के बैठे हैं आज। यस सर। यस सर। आवाज आप लोगों का आज बुलंद है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि थर्मोमीटर जैसा लग रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है थर्मोमीटर हमने जो है क्या कर दिया, इसमें जो है रख दिया। अब जैसे ही थर्मोमीटर रखा, अब यहाँ पे हमने क्या करा, हीट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हीट करवा दिया, कुछ पूछना है? नो सर। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे मैंने ना इसका टेम्परेचर पहले से ही क्या कर रखा था, 0 डिग्री सेल्सियस रख दिया था। अब जैसे या मैं मान लेता हूँ 2 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे जो है ये 2 डिग्री है, ये जो है कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस है।
अब मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, मैं हीट किए जा रहा हूं, इसका जो टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, जादू कहां से आ गया, मेरे पास में लगातार हीट दे रहा हूं, इसका टेम्परेचर तो थर्मामीटर में बढ़ना चाहिए था कि नहीं? वेरी गुड। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था तो फिर इसमें थर्मोमीटर में लगाया तो 2 डिग्री सेल्सियस क्यों रहा? तो ये एनर्जी कहाँ जा रही है, जादू तो नहीं हो रहा है? तो ये जो है बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, कौन सा जादू होता है, साइंस के माध्यम से समझाता हूँ। होता है क्या है कि जो आइस के जो पार्टिकल है वो तोड़ने में, यानी कि जो बंधे होते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो जिस कारण से क्या होता है कि वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, उसको तोड़ने में, वो एनर्जी कहाँ चली जा रही है, तोड़ने में। और जब वो तोड़ने में एनर्जी चली जा रही है तो क्या टेम्परेचर इसका बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक और एग्जाम्पल आपको समझाने के मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे देखिएगा कि कहीं जगह पे ना हम लोग कूलर में पानी डाल देते हैं, वो या आप लोगों की बॉडी से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के समय ना हम लोगों को स्वेटिंग ज्यादा आती है। थोड़ा धीरे धीरे आप लोग मुझे भी बोलने दीजिए, आप ही लोग बोलिएगा तो मैं कब बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर पढ़ाना भी रहेगा ना, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जो इसके जो पार्टिकल्स है आइस के, वो क्या होता है बहुत ही क्लोज पैक होते हैं। मैं अच्छा बॉडी एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वेरी गुड, थैंक यू। सुन लो, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना दूर दूर होते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करो। जैसे गर्मी के समय आपके शरीर से देखिएगा स्वेटिंग नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है कि स्वेटिंग नहीं होता, होता है, लेकिन इवेपोरेशन जो इतना तेजी से होता है कि वो आपकी बॉडी पे पता नहीं लगता है, फटाफट से जो है क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, जिस कारण से आपको जो है पता नहीं लग पाता है, ठीक है। सेकंड, अब जब वहां पे क्या होता है आपकी बॉडी, जब आप देखिएगा मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप अपनी बॉडी को गर्म जगह पे ले जाओ, जैसे कई मम्मी पापा लोग खाना बनाते हैं तो आप वहां पे जाते हो तो क्या आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 से क्या ज्यादा हो जाता है क्या? आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस? यस यस, ठीक है। यस अगर जब 37, हाँ आप लोग कितना मुझे आज परेशान करके विचार लगा के आए हो ना, कि सर को आज जो बोलने नहीं देना है, हम ही लोग बोलेंगे। ओके, यहाँ पे कितना होता है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर आप चूल्हे के पास खड़े हो जाओगे तो 39 डिग्री नहीं होगा, कहोगे सर वो एनर्जी गई कहां, वो कहां चलेगी, लेटेंट हीट में चलेगी। कहां चलेगी, लेटेंट हीट में, लेटेंट हीट, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि जो लेटेंट हीट होता है, लेटेंट, और इसी को हम लोग कहते हैं हिडन हीट, यानी कि जो है हर किसी में, जैसे मैंने आपको समझाया कि आप चूल्हे के पास खड़े हो जाओगे या जहां पे बर्नर है जल रहा है जैसे आग के पास, तो आपको जो है आपका बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो वो एनर्जी जा कहां रही है, वो बेसिकली कहां चली जा रही है, आपकी बॉडी के अंदर चली जा रही है, या आपकी बॉडी जो है उस एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिस कारण से आपकी जो है एनर्जी नहीं बढ़ती, तो वो एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कह देते हैं। ओके, कोई गलत है, हीट एनर्जी विच यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। ये तब तक नहीं बढ़ेगा इसका हीट, यानी कि जो टेम्परेचर, जब तक सारे के सारे आइस में ना कन्वर्ट हो जाए, और अगर जो सारे के सारे आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देते हैं। ओके, यानी कि ऐसा एनर्जी जिसपे क्या हो जाएगा कि सारा का सारा जो है, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां तक आपके थर्मोमीटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वही कहता है
latent of heat of fusion, the amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में latent heat of fusion का जो है डेफिनेशन लिख देता हूं, आपको याद रहना है. latent heat of fusion ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. यानी कि बिना टेम्परेचर को चेंज किए आप अगर उसको क्या कर देते हो, यानी कि जो है लिक्विड से उसमें कन्वर्ट कर देते हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देते हैं. जब ये लिक्विड बन जाए, फिर से अगर हम लोग क्या करें, इसको जो हीट करेंगे लिक्विड बनने के बाद, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अब फिर से वापस से क्या होने लगेगा, यानी कि जब इसको हीट करोगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगेगा, और ये जब तक एब्जॉर्ब करेगा जब तक वो वेपर में ना कन्वर्ट होने लगे, और जब वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, जब तक एब्जॉर्ब किया उसने एनर्जी, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. रिपीट करना एक बार, लेटेंट हीट ऑफ ये बता रहे हैं लेटेंट. अच्छा, मैं एक नए पेज में बता देता हूँ, आप लोग कहोगे सर जल्दी जल्दी बता देते हो. आराम से देखिए. ओके, यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया. ओके, अब जैसे ही हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, फिर से थर्मोमीटर डालते हैं. मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है ना, मैंने कहा कि 5 डिग्री हो गया, जैसे 10 डिग्री के आसपास हो जाता है. अब जैसे ही 5 डिग्री हो गया, तो आप फर्दर हीट कर रहे हो, तो ये फर्दर तुरंत वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा, थोड़ा देर ये क्या करेगा, पूरा का पूरा पार्टिकल के जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो ब्रेक डाउन होंगे, और फिर वो जो है क्या होने लगेंगे, क्योंकि वो जो एनर्जी कुछ देर तक एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया तब तक जब तक वो वेपर में ना कन्वर्ट हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उस एनर्जी को हम लोग क्या कह देते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 kg liquid into vapor without changing the temperature. ब्रैकेट में लिख सकते हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 180 एट 180 प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि हम लोग जो है बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर. तो अब इसका मैं ग्राफ में बताता हूं, ध्यान सुनिएगा. आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सब ठीक है, लेटेंट हीट का मतलब होता है जो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसके बाद सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो जाके वेपर में जो है कन्वर्ट हो जाता है. जो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी कह देते हैं.
मान लेते हैं ये ग्राफ बनाता हूं, एक साइड मैंने क्या रखा, इसका जो ग्राफ है इसे, ये सॉलिड है, सॉलिड से थोड़ा सा बढ़ता है, फिर ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर थोड़ा देर ये क्या होता है, बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये क्या है, सॉलिड है, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सॉलिड से लिक्विड में, ये जब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब तक क्या हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए, और जैसे ही पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर में जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये फिर क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड से जो है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो तब तक ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर फर्दर जो है यानी कि जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कॉन्स्टेंट वाला है, यानी कि यहाँ एनर्जी कहाँ जा रही है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ये भी क्या है, लेटेंट हीट है। क्या आप लोगों को समझ में आया? आप लोग जो है समझ में आ गया ना? ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 kg लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक एट द बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड जस्ट इन सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल लिक्विड इंक्रीजेस। जैसे ही सॉलिड से, हाँ बोलिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके। नो सर। नो सर। आराम से। ओके। जस्ट इन सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, मैं चैट ऑफ कर दूंगा, ठीक है, फालतू का मैसेज मत करो, ठीक है, प्लीज। आप लोग क्लास में हो इस तरह के नहीं। शुभम लक्ष्मी, आपको कुछ डाउट है? नहीं है तो हाँ, हैंड को रेज डाउन कर लीजिए। no. बाहर निकल, 9:30 तक लगाने को उसका। रुको रुको, शुभम लक्ष्मी अपने हैंड को नीचे डाउन कर लो। जिया प्रकाश, जिया नेज, ठीक है। और आप लोग जो है फालतू की कमेंट मत कीजिए, ठीक है। मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता, आप लोग एंजॉय कर रहे हो इसीलिए मैं जो आप लोगों को, लेकिन आप अगर ऐसे करोगे फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लास है, क्लास के अनुसार से चलिए, आपको भी सीखना है क्योंकि अल्टीमेट आपको फायदा होना चाहिए, आप सीख के जाओ, अगर जो आप सीख के ही नहीं जाओगे तो फिर क्या फायदा। हम भी चाहते हैं कि आप लोग एंजॉय के साथ पढ़ो, इसीलिए हम ऐसे ऐसे एग्जांपल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, वापस। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे मैंने क्या कहा कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो है एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, कि जैसे ही आपने क्या करा कि सॉलिड को एनर्जी दिया तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, तो उनके जो काइनेटिक एनर्जी की जो पार्टिकल्स के बीच का जो मोशन है वो बढ़ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसी कारण से वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, और इसीलिए लिक्विड्स को हम लिक्विड जो क्या करते हैं, फ्लो करने लगते हैं, दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और इस कारण से क्या हो जाते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लगते हैं, और कहते हैं कि पानी जो है क्या होने लगा, चलने लगा या बहने लगा। तो इस प्रकार से, हाँ बोलिए सचिता सर, एक बार काइनेटिक एनर्जी रिपीट करना। वेरी गुड। अच्छा होता क्या, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि रियल एग्जांपल के साथ, आप लोगों ने पॉपकॉर्न को कभी भूंजते हुए देखा है? उसको देखिएगा किसी हीट वाले या तवे पे रखते हैं तो वो देखिएगा कैसे उछलता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो, हाँ बोले सोनाली सर, उसमें काइनेटिक एनर्जी लगती है। हाँ वेरी गुड। उसके अंदर क्या होता है कि जब सॉलिड फॉर्म में था तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, जैसे ही आपने उसको तवे पे रखा तो कैसे वो छल के जो एकदम दूर की ओर भाग जाता है, क्योंकि तो उसकी एनर्जी जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है क्या एनर्जी। इस कारण से उनके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, यानी कि फ्रीली जो है मूव करने लग जाते हैं।
और जब वो फ्रीली मूव करने लगता है तो जिस कारण से पानी जो आसानी से फ्लो होने लगता है बॉइलिंग पर। द टेम्परेचर एट विच गैस लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। लेटेंट वेपराइजेशन क्या होता है, ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 kg लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दे, यानी कि जो गैस में कन्वर्ट कर दे या वेपर में कन्वर्ट कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट वेपराइजेशन कहते हैं। ओके, व्हाट हैपन व्हेन डिक्रीजेस द टेम्परेचर, मैंने आप लोगों को बताया कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कंडेंसेशन होगा, और जब वो कंडेंसेशन होगा तो हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ यहाँ पे जैसे ही आपने अगर इसको सॉलिड को ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड अगर लिक्विड को फिर से ज्यादा कन्वर्ट दे दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन पूछना आप लोग मुझे बताइए। वेपराइजेशन और वेपराइजेशन में क्या अंतर है, इसमें वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन में बोलिए, अब तो कोई बोलिए, यस सर नो सर, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, इन दोनों में अंतर समझना। वेपराइजेशन का मतलब होता है वेपर में ये भी कन्वर्ट होता है, वेपर में ये भी कन्वर्ट होता है, लेकिन ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है। जैसे मैंने कहा कि वाटर का जो है जो वेपरेशन टेम्परेचर होता है वो 100 degree होता है, यानी कि 100 degree से जैसे होगा तो वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, वो 70 degree पे ही हो जाए या 110 degree पे हो जाए, यानी कि वो एग्जैक्ट टेम्परेचर पे नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इवेपोरेशन। आप जब कपड़ा सुखाते हो तो इसलिए उसको कहते हैं इवेपोरेशन, जब पानी को गर्म करते हैं उसको कहते हैं वेपोराइजेशन प्योर वाटर को, इस प्रकार से जो है इसका अंतर बन। वापस से गैस को हमने ठंडा किया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। गैस को जैसे ठंडा करते हैं तो वहां पे क्या होने लगता है कि पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है और वो पास पास आने लगते हैं, क्योंकि जैसे एनर्जी कम होगी तो क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएगा। ऐसे समझो कि मान लो कि कोई छोटा बच्चा है थक जाता है तो कहाँ आ जाता है, घर पे ही आ जाता है, लेकिन जब तक वो एकदम पूरा घर से जब सुबह सुबह निकलता है तो एकदम लगता है तहलका मचा देगा, ठीक है, तो फिर वापस जैसे घर पे आता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, चुपचाप जाके सो जाता है कि नहीं सो जाता है। तो उसी प्रकार से जब ये पार्टिकल्स एनर्जी कम हो जाती है तो पास पास आ जाते हैं, और जब वो पास पास आ जाते हैं तो उस स्टेट को लिक्विड कह देते हैं, और पास पास आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, कंडेंसेशन कह देते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनने के प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कह देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सॉलिडिफिकेशन कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आप लोगों को याद रखना, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कन्वर्ट सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा उसको सब्लिमेशन कह देते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए लिखा हुआ होगा, अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, लिखा हुआ तो हम लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू गैस, कोई मुझे बता सकते हैं, इट इज नोन एज, इसका एग्जांपल सर, नेप्थलीन बॉल्स, कैंपर, वेरी गुड, एग्जांपल में कैंपर, क्लोराइड,
वेरी गुड, अमोनियम क्लोराइड। यस सर। कपूर, अब आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कहाँ एक नेफ्थलीन बॉल भी। आप लोग नेफ्थलीन बॉल देखे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। व्हाइट कलर का होता है, तो जब वो व्हाइट कलर का होता है तो जिस कारण से आप लोग उसको कपड़े में रखते हैं तो देखिएगा सॉलिड से लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता। अगर से लिक्विड में कन्वर्ट होता तो आपका कपड़ा क्या हो जाता है, सूखने की वजह गीला हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वो जो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, कैम्फर जब आप कपूर जलाते हैं तो देखिएगा उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सबलिमेशन प्रोसेस कह देते हैं। अब डिपोजिशन का मतलब होता है जब कोई गैस सीधे सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, जहां मान लो बहुत ज्यादा ठंडा हो। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे जगह पे जहां पे -30 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहां पे जैसे पानी गर्म पानी को फेंकते हैं तो बर्फ में बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इवेपोरेशन कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड बनने को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और गैस से लिक्विड बनने को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ये सारे प्रोसेस होते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि क्या इफेक्ट आएगा जब आप क्या करोगे, प्रेशर को डालोगे। बाय अप्लाइंग द प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल ऑफ मैटर क्लोज टू इच अदर, देयर बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल। होता क्या है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक कोई कंटेनर ले लिया और इसके अंदर जो पार्टिकल्स भरे हुए, अब जैसे ही हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, एक पिस्टन डाल दिया, तो ये पार्टिकल नीचे की ओर दबाओगे। जैसे नीचे की ओर दबाओगे तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, पास पास आ जाएगा। हाँ जी बोलिए सर। ये जो सॉलिडिफिकेशन, इसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं? कौन सा वाले को? अच्छा हाँ, लिक्विड से जो फ्रीजिंग भी बोल सकते, बिल्कुल सही कह रहे हो। लिक्विड से सॉलिड, उसको फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन दोनों कह सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स जो है यहाँ पे पास पास आ जाते हैं। जब वो पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जैसे बढ़ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, जो है गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉलिड फॉर्म इज नोन एज ड्राई आइस। याद रखना कि CO2 को अगर आपने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जो होती है बहुत सॉलिड होती है। ठीक है, ड्राई आइस क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती है। यहाँ भी देखो, ड्राई आइस भी सबलिमेशन प्रोसेस का एक एग्जांपल है। आप लोगों ने देखा होगा जब धारावाहिक जो भगवान वाला पिक्चर चलता है, जो आप लोगों ने देखा होगा नीचे नीचे जो बादल बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, इसी ड्राई आइस से। ड्राई आइस को क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, और ये क्या करते हैं, व्हाइट व्हाइट फ्लेम जो है पूरा जगह जो व्हाइट व्हाइट जो है फॉग जो है बना देता है, और इस तरह से लगता है कि भगवान जो है स्वर्ग में जी है। ठीक है सर। हाँ, तो इसी प्रकार से जो है आप लोग बना सकते हो, आप लोग जो है यहाँ पे जो है ड्राई आइस का यूज करके जो है बना सकते हैं। यस सर। अब इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर एट गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया था ना कि बिलो अगर जिससे बॉइलिंग पॉइंट से हो जाएगा उसको इवेपोरेशन कहेंगे, और अगर जब उसी टेम्परेचर पे अगर जो होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, वेपराइजेशन कह देंगे। दोनों बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि इवेपोरेशन क्या होता है कि किसी भी के बॉइलिंग पॉइंट से कम पे अगर जब वो क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको इवेपोरेशन कह देते हैं, और अगर जब उस टेम्परेचर पे ही हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेपराइजेशन कह देते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि आइस है, या मैं लिक्विड ले लेता हूँ, लिक्विड को मुझे बताना कि मैंने हीट किया, इसी एग्जाम्पल के साथ बना देते। यहाँ पे मान लीजिए ये जो है वाटर है, ठीक है, ये क्या है, वाटर। मान लीजिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बताओ क्या है, वेपराइजेशन है या इवेपोरेशन है?
बोलिए वेपोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे ही अगर जो होगा इसको वेपोरेशन कहेंगे। अब मान लो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट वेपर कन्वर्ट होगा 80 डिग्री सेल्सियस पे, बताओ ये कौन सा टेम्परेचर होगा, ये वेपोरेशन या जो वेपोरेशन? ईवेपोरेशन। हाँ ईवेपोरेशन हो जाएगा। अब देखो ये जो है कौन कौन से फैक्टर ना ईवेपोरेशन पे डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस और तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा जो है विंड। यानी कि इन चारों पे क्या होता है, यानी कि डिपेंड करता है। क्योंकि टेम्परेचर, अब अगर जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का फिनोमेना ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर टेम्परेचर कम होगा, अब जैसे मान लो कि सन यहाँ पे है और दो प्लेट रखा है, बताओ किसके अंदर इवेपोरेशन ज्यादा होगा? जिसके सीधे पे ज्यादा है उसके अंदर होगा। यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा और यहाँ पे लो हो जाएगा। दूसरा सरफेस एरिया जिसका ज्यादा है, जैसे देखिएगा छत का पानी आप एक बकेट डाल दो आपका सूख जाएगा, लेकिन एक बकेट को बकेट में पानी में रख दोगे तो दिन भर में भी नहीं सूखता। क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा जो है वो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तीसरा ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि अगर एयर में पानी की क्वांटिटी कितनी है। अभी के समय आप देखिएगा कपड़ा आपका जल्दी नहीं सूखता है, सूखता है क्या? लेकिन गर्मी के समय देखिएगा फटाफट सूख जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना एयर में वाटर के ड्रॉपलेट मौजूद है, जिस कारण से आपका पानी जो है वो जल्दी जल्दी जो है एटमोसफेयर में नहीं जा पाता और नहीं जा पाता, जिस कारण से क्या हो जाता है कि वो जो है आपका वहां पे जो है ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इस कारण से कपड़ा नहीं सूख पाता। कपड़ा कभी सोचे हो कि सर पानी जो है वेपर जो कन्वर्ट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन आपका कपड़ा कितने डिग्री सेल्सियस में सूख जाता है, रूम टेम्परेचर में 30 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री गर्मी के समय, यही तो होता होगा। लेकिन फिर भी कपड़ा सूखता है कि नहीं सूखता है, वो किस कारण से सूखता है? सूख जाता है, ठीक है, वो क्या किस कारण से सूखता है, ईवेपोरेशन के कारण। चौथा होता है विंड, जहां पे ज्यादा हवा चलेगी वहां पे जो क्या होगा इवेपोरेशन का फिनोमेना जो है ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है एयर क्या करेगा, वाटर के ड्रॉपलेट को लेके क्या चले जाएगा और जिस कारण से आपका जो है इवेपोरेशन फिनोमेना जो है जल्दी जल्दी होगा और वहां पे आपके कपड़े सूख जाएंगे। तो इसी कारण से एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ ह्यूमिडिटी का, कि देखिएगा बरसात के समय ना स्वेटिंग ज्यादा होती, पसीना ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि एयर के जो ड्रॉपलेट होते हैं वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होते हैं, जो जिस कारण से आपका बॉडी जो है उसको जल्दी जल्दी बॉडी से जो है एक वाटर ड्रॉपलेट जो बाहर नहीं जा पाता एटमॉस्फेयर में, इसी कारण से आपके बॉडी पे ही रह जाता है। और जब आपके बॉडी पे ही रह जाता है तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि वो जो है आपको जो है स्वेटिंग यानी कि जो पसीना जो है पूरा निकलने लगता है और कहते हैं कि हम लोग को देखो कितनी गर्मी लग रही है। क्यों निकलता है पता है स्वेटिंग? क्योंकि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो सारी चीजें होती है। तो ये चार चीजों पे जो क्या होता है डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड। आप याद रखना 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि बताओ कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो आप लोग बताना टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, घड़े का पानी जो है ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कि जैसे उसके अंदर जो ना छोटे छोटे पोर होते हैं, पोर का मतलब पोर, वो क्या करता है कि पानी बाहर निकालता है और पानी क्या हो जाता है इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के कारण उस जगह पे ठंडा हो जाता है। हाँ बोलिए सचिता सर, ठंडक पैदा होती है। हाँ, तो इसी कारण से क्या हो जाता है आपका घड़े का पानी ठंडा रहता है, लेकिन आप अगर जब उसी को स्टील वाले बर्तन रख दोगे तो या प्लास्टिक की बोतल में वो ठंडा नहीं रहता। क्यों? आपसे रीजन पूछा जाएगा, क्योंकि वहां से क्या होता है कि जो वाटर के ड्रॉपलेट है वो इवेपोरेट हो जाते हैं और इवेपोरेट होने के कारण उस जगह पे ठंडा कर देते हैं, और जैसे ठंडा कर देते हैं इस प्रकार से पूरा घड़ा आपका ठंडा रहता है और आप लोग जो है ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। फ्रिज का पानी भी पीते हैं ठंडा, लेकिन घड़े का पानी जो है बिना बिजली के जो है आपका काम कर जाता है। कितना अच्छा टेक्निक है। यस सर। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ओके, आज हम लोग जो है अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ वाटर, आइस, लिक्विड एंड वेपर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। कह रहा है कि मान लो मेरे पास आइस है
और मेरे पास वाटर है और मेरे पास वाटर का वेपर है, तो बताओ क्या होगा, इसके पार्टिकल सेम रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे या फिर चेंज हो जाएंगे, क्या होंगे? यानी कि जो इसके पार्टिकल जो है H2O के फॉर्म में रहेंगे, यानी कि हमेशा जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है? When heat is constant supplied by burner to the boiling point, then the temperature of water. अभी मैंने बताया था, उस समय यस सर कर रहे थे, अब कीजिए क्वेश्चन आंसर के साथ. Does not rise at all. क्या होगा? Does not rise at all. Okay. Very good. यहाँ पे क्या होगा ना, मैंने कहा था latent heat का concept बताया था. तो मैंने क्या कहा था, latent heat में क्या होता है कि पहले कुछ energy जो है absorb करेगा. कह रहा है when heat is constantly supplied to burner boiling water, then the temperature of water during the vaporization. यानी कि जब वो vaporization तक जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं करता. आपसे पूछेगा क्यों नहीं करता, तो कहोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण वो जो है उतने अमाउंट को जो है उस समय तक जो है बंधा रहता है. फिर जैसे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है तो वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो है एनर्जी बढ़ जाती है. बताओ द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट टू, उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. वेरी गुड. आप लोगों को मैंने बताया था सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर, इट इज नोन एज द सब्लिमेशन. यस सर. ओके, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? सब्लिमेशन कह देते हैं. सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन आप लोगों का इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा. क्लियर है? यस सर. यस सर. आंसर होते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, यानी कि क्या करने पे आपका जो टेम्परेचर राइज हो जाएगा. अच्छा, जिनको नहीं समझ में आ रहा ना तो एलिमिनेट कर सकते हैं. जब कंप्रेशन होगा तो यानी कि टेम्परेचर कम होगा, तो यानी कि इंक्रीज तो नहीं होगा. यानी कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाला तो खत्म हो गया कंप्रेशन, और कहां है ये भी कंप्रेशन ऑफ गैस खत्म हो गया. अब हमारे पास आंसर सी और डी होगा. यहाँ भी कंप्रेशन ऑफ गैस है तो ये भी खत्म हो गया. तो यानी कि अब मैं समझाता हूँ कि कैसे इसका जो टेम्परेचर राइजिंग होता है. इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है, ठीक है? दूसरा डिफ्यूजन. जब डिफ्यूजन होता है तो यानी कि जब पार्टिकल टूटते हैं तो क्या हो जाते हैं, यानी कि जो उसकी एनर्जी जो बढ़ जाती है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा बोतल के अंदर जो परफ्यूम होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल जो है ना लिक्विड फॉर्म में रहते, बड़े शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो एयर में आ जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, बहुत दूर दूर जो है पार्टिकल चले जाते हैं, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं. तीसरा एक्सपेंशन ऑफ गैस, यानी कि जब वो गैस एक्सपेंड होगा कब, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. इसी कारण से जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा. आप लोगों के लिए तीन चार क्वेश्चन होमवर्क है. CO2 कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज, बोलिए, इट हैज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसके बीच जो क्या होते हैं कम होते, तभी तो उसको आसानी से गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो. आप किसी दूसरे चीज को करके देखो तो नहीं होगा. आप अगर से दूसरे चीज को देखोगे तो यानी कि क्या होगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, इस कारण से नहीं होगा. कह रहा है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि 0 डिग्री स्टीम पे, यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की जो स्टीम पे होगा वो जो ज्यादा होगा. ये बच्चा कहता है सर यहाँ भी तो 100 डिग्री है, ये अभी वाटर ही है वेपर में नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ वेपर में जाना शुरू हो गया, इसी कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है? अब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड न्यून साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. मैंने बताया था द गैस गेट आयनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट, यानी कि जो क्या हो जाता है आयन में कन्वर्ट हो जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटिक पार्टिकल, मैंने बताया था. प्लाज्मा का कलर चेंज नहीं होता, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. हाँ बिल्कुल सही आंसर है, इस प्रकार से जो है ए हो गया, ठीक है? आज हम लोगों ने सभी ने जो पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है, इसके जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ा. तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं. यस सर. और क्लियर?